ऑल, कैसे हैं आप सब? और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप भी बिल्कुल ठीक होंगे। और आज हमारे किचन में बन रही है चिकन निहारी, तो चले देखते हैं उसकी रेसिपी। बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए वो है प्याज, ऑयल। प्याज जो है वो मैंने ली है दरमियानी, और ऑयल जो है वो मैंने लिया है 1 कप, दही है आधा पाव, और ये निहारी जो मैं बना रही हूँ वो है 1/2 kg की, 1/2 kg चिकन है, और ये निहारी मसाला है। ये मैंने खुद मसाले की पिक्चर में डाल दूँगी। और यहाँ पर जो है लीमू और हरा धनिया है वो है गार्निशिंग के लिए। और निहारी जो है वो चिकन निहारी सब जानते हैं बहुत ईजी होती है बनाना, अगर आपने निहारी मसाला बनाया हुआ हो। और आपको जो है वो निहारी मसाला आप पहले ही बना के रख लें ताकि आपको झटपट आप अपनी निहारी तैयार कर सकें। तो चलें अब हम निहारी का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। पतीली रख दी है और अब मैं इसके अंदर ऐड करूंगी ऑयल, और ऑयल के साथ हम अब इसके साथ ऐड करेंगे प्याज। और प्याज को जो है वो हम भूनेंगे जब तक कि हमारी प्याज ब्राउन नहीं हो जाती। मैं इस्तेमाल करती हूँ वुडन स्पून, क्योंकि मुझे ये लगता है एक तो वुड हमारी सेहत के लिए अच्छा होता है, और दूसरा ये कि मुझे लगता है कि वुड के स्पून से खाना बनाने से खाना बहुत अच्छा बनता है। ये मुझे लगता है जब से मैंने वुडन स्पून इस्तेमाल किए हैं, जब से, तो आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारी प्याज अच्छे से ब्राउन हो रही है, और अब हम इसको गोल्डन ब्राउन होने देंगे अच्छी तरह, और चमचा चलाते रहेंगे। प्याज अच्छी से ब्राउन हो गई है, अब हम इसको जो है वो एक बर्तन में निकाल लेंगे। ब्राउन हो गई है और अब हम इसके अंदर अपनी जो दही है वो मिक्स करके इसको ग्राइंड कर लेंगे। अब हम इस ऑयल में जो है वो अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे 1 स्पून, 2 स्पून, और फिर हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। थोड़ी बहुत अगर आपकी प्याज इसके अंदर रह जाए वो कोई इतना इशू नहीं है। और अब हम इसके अंदर जो हमने प्याज और दही ग्राइंड करी थी वो मिक्सचर इसके अंदर ऐड कर देंगे। फ्लेम हमारा लो पे ही रहेगा, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे हमें नहीं पकाना है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे हमारा निहारी मसाला, जिसके अंदर शामिल है सौंफ, सौंठ, और बड़ी इलायची, छोटी इलायची, और साबुत धनिया, कश्मीरी लाल मिर्च, नमक, और जो है वो जायफल, जावित्री। इस सब का हमने पाउडर बना लिया है, और वो हम चाहें तो एक कंटेनर में आप रख सकती हैं, ये ख़राब नहीं हो सकता, ख़राब नहीं होता है और महीनों चलता है। और अब हम इसको थोड़ा भुनने देंगे ताकि हमारी जो ऑयल का तार है वो थोड़ा ऊपर आ जाए। हमारे जो निहारी है उसका तार ऊपर आना शुरू हो गया है। अब इस पॉइंट पे हम जो है वो ऐड करेंगे इसके अंदर चिकन। ये 1/2 kg चिकन निहारी है, मेरे बच्चों को चिकन निहारी बहुत पसंद है। अब हम इसको करेंगे मिक्स, और इसके अंदर हम 1 कप के बराबर पानी डालेंगे ताकि हमारा चिकन अच्छी तरह गल जाए। और फिर इसके अंदर हम डालेंगे कॉर्नफ्लोर पानी में मिक्स करके, और फिर हमारी निहारी तैयार है।
मैं इतना पानी इसके अंदर ऐड कर रही हूँ, थोड़ा सा और पानी जाएगा इसके अंदर। और अब हम इसकी लिड लगा देंगे और चिकन को गलने देंगे। ये देखें हमारी जो निहारी है उसको पकते हुए 5 से 10 मिनट हो गए हैं और ये अच्छे से पक रही है। और इसमें कश्मीरी लाल मिर्च है मसाले में, इसलिए इसका कलर देखें कितना ज़बरदस्त आ रहा है। और मैं इंशाल्लाह आपको जो है वो निहारी मसाले की भी रेसिपी की वीडियो बनाऊंगी और आपके साथ शेयर करूंगी। देखिए अभी ये और पकेगी जब तक हमारा चिकन जो है वो अच्छी तरह टेंडर नहीं हो जाता। ये करना किए है कि हमारी निहारी जो है, जो हमारा चिकन है वो गल रहा है, तो एक साइड पे हमने 3 स्पून, इस तरह के स्पून मैंने आपको दिखाने के लिए रखा हुआ है, इस तरह के मैंने 3 स्पून कॉर्नफ्लावर लिया है और ये है पानी। और अब हमारी जब निहारी तैयार हो जाएगी तो हम इन दोनों का मिक्सचर बना के अपनी निहारी में डालेंगे ताकि उसके अंदर थिकनेस आ जाए। ये देखें हमारी निहारी अच्छी तरह जो है वो पक रही है और हमारा जब चिकन जो है ऑलमोस्ट टेंडर हो गया है। थोड़ा सा इसमें कसर है। अब हम क्या करेंगे कि अब हम इसके अंदर जो हमने कॉर्नफ्लावर और पानी का मिक्सचर बनाना था, अब हम वो मिक्सचर बनाते हैं। डालेंगे पानी और कॉर्नफ्लावर और पानी का अच्छा सा मिक्सचर बनाएंगे। बस इसमें लम्प्स नहीं आने चाहिए, ये बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए, वरना अगर लम्प्स आए तो फिर हमारी निहारी में भी लम्प्स आ जाएंगे। ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं, इस तरह की होनी चाहिए। अच्छी तरह इसको आप मिक्स कीजिए। ये देखिए इसकी ऐसी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, इसमें कोई भी लम्प्स आपको नज़र नहीं आ रहा है, बिल्कुल ये स्मूथ है और थोड़ी सी पतली सी है। अब हम इसको, अभी हमारी निहारी बिल्कुल तैयार नहीं हुई है, तैयार होने से जस्ट 5 मिनट पहले हम इसको उसमें ऐड कर देंगे ताकि जो कॉर्नफ्लावर का थोड़ा सा जो है वो कच्चापन होता है वो उसके पकने में निकल जाए। इसके अंदर ये शामिल करूंगी, लेकिन इसके साथ साथ आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप ये मिक्सचर इसमें शामिल करें तो चमचा चलाते रहें। ये देखें फौरन डालते ही हमारी निहारी में जो है वो टेक्सचर। अब हम इसको थोड़ा सा और पकाएंगे ताकि हमारी जो ऑयल का तार है वो ऊपर आ जाए और इसका जो कलर है वो और ज़्यादा अच्छा लगने लगे। 5 मिनट्स और पकाएंगे और फिर हमारी जो है वो हम इसको डिश आउट करेंगे, दिखाएंगे आपको कि ये कैसी लग रही है और फिर इसके ऊपर गार्निशिंग करेंगे हरे धनिए की, अदरक की और नींबू के साथ। और आप इसको किसी भी नान के साथ बड़े मज़े से खा सकते हैं, तंदूर की रोटी के साथ भी बहुत अच्छी लगती है। और जो है अभी हम 5 मिनट्स के लिए इसके ऊपर फिर लिड लगा देंगे। ये देखें कितना ज़बरदस्त कलर और तार ऊपर आ गया है। अब हम अपना फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको डिश आउट कर देंगे। इसका कलर देखिए कितना ज़बरदस्त आया है, बोटी के देखते ही मुंह में पानी आ जाए। और इसकी थिकनेस कितनी ज़बरदस्त आई है। मेरे घर में मेरे बच्चों को बेइंतहा पसंद है निहारी, पूरे घर वालों को, और मेरा जो सबसे बड़े बेटे हैं उनको तो इतनी पसंद है कि वो जितनी भी निहारी खाने कम है। लोग ऊपर से तार डालते हैं, भगाल लगाते हैं, मैं नहीं लगाती हूँ।
क्योंकि ऑयल वैसे भी बहुत ज़्यादा खानों में मुझे नहीं पसंद, ना मेरे घर में खाया जाता है। तो मेरी निहारी में ऑलरेडी तार इतना होता है कि उसका लुक अच्छा आता है। हरे धनिए के साथ अदरक करें, हरे धनिए के साथ और जो है अदरक के साथ और नींबू के साथ आप खाएं। और ये हमारी मज़ेदार सी चिकन निहारी जो है वो रेडी हो गई है, और आप इसको तंदूर की रोटी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं, और बहुत मज़े की बनी है। आप भी ज़रूर बनाइएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपकी निहारी कैसी बनी है। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं, और मुझे कमेंट में बताइएगा कि मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।